शुरू करें अब हो गया, शुरू करें। थैंक यू सो मच जी। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फ़खर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद भाई पहले आपसे क्वेश्चन लेते हैं, फिर इकबाल भाई आपसे। फ़खर, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के दौरान मतलब अनफिट हो गए, फिर टीम से बाहर, ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी, जिस तरह की परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस दी है, कितना एतमाद दोबारा जो है वो वापस आया है, और क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सीरीज़, और जिस तरीके से मैं वर्ल्ड कप को खेल रहा हूँ तो तब भी मैं बहुत अच्छे निक में था, लेकिन फिटनेस मेरी ऐसी थी कि मैं बैटिंग तो कर सकता था लेकिन फील्डिंग वगैरह में थोड़ा सा मेरे लिए मसला हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा टाइम रिहैब को दिया और NCA में भी काम किया, जब घर गया वहाँ भी काम किया, तो इम्पॉर्टेंट थी और मेरे माइंड में भी यही था, इसलिए मैंने इसके लिए ट्रेनिंग भी की और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आया। फ़खर, जिस तरह से आप पाकिस्तान ने 280 से ज़्यादा का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को, आप क्या समझते हैं कि इतना टारगेट इस विकेट पर जिस तरह से खेल ली थी अचीवेबल था, या आप समझते हैं कि मैच पाकिस्तान की ग्रिप से उस वक्त निकला जब ग्लेन फिलिप्स ने मार धाड़ शुरू कर दी थी? मेरे ख्याल में बिल्कुल, जब फिलिप्स ने बैटिंग शुरू की और जिस तरीके से वो खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ विकेट पे खेल रहे हैं, और अगर मैं सही बताऊं तो मेरे ख्याल में जिस तरह विकेट पूरे 3 मैचों में खेला है तो 250 रन ही हम लोग समझते थे कि इस पे अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा, और हम लोगों ने जब 280 किया तो उसके बावजूद हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मेरे ख्याल में पूरे मैच का जो सारे का सारा क्रेडिट है वो फिलिप्स को ही जाता है, जिस तरीके से उसने सिंगल हैंडेडली मैच को चेंज किया। अच्छा फ़खर, पिछले काफ़ी मैचों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम फिनिश नहीं कर पा रही, और उसकी वजह से जो प्लेयर्स की इंफरादी जो कारकर्दगी है वो भी दब जाती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हर कोई कोशिश करता है कि वो गेम को फिनिश करें, लंबा खेलें और अपनी टीम को जिताएं, लेकिन ये चलता रहता है क्रिकेट में, और मेरे ख्याल में हमारी काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस पास्ट में ऐसी हुई है कि प्लेयर्स ने जिताया भी है, लेकिन बिल्कुल जैसे आज का मैच भी था तो न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया, हालांकि 35 ओवर तक हम लोग हमारे 2 ही आउट थे और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि लंबा करें, क्योंकि हमें आइडिया था कि विकेट जिस तरह से खेल रहा है तो नए बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फ़खर, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया लेकिन न्यूजीलैंड से हार गए, हम वर्ल्ड कप 2023 के लिए कहाँ खड़े हैं? देखिए, आपके सामने जिस तरीके से टीम का एक कम्बिनेशन बना हुआ है और जिस तरीके से हम लोग वनडे में स्पेशली खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से जेल हुई हुई है, और अगर आज का मैच भी आप देखें तो हम लोग बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन फिलिप्स के आने के बाद उसने मतलब ऐसी इनिंग खेली है कि जो मेरे ख्याल में इस तरह की विकेटों पर बहुत मुश्किल है खेलना, तो मेरे ख्याल में सारा क्रेडिट उसको जाता है, और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम जिस तरीके से जेल हुई हुई है और जिस तरीके से एक कम्बिनेशन बना है तो बहुत ज़बरदस्त है। फ़खर, वैसे तो ये सवाल कप्तान से पूछना था लेकिन कप्तान नहीं आ रहे तो चले आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, बता सकते हैं पाकिस्तान के किसी फास्ट बॉलर ने 10 ओवर मुकम्मल नहीं करवाए, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जब पता था कि हमारे पेसर इस विकेट पे अच्छा बॉल नहीं कर पाएंगे तो हम तैयब इकराम को खिला लेते तो आपका एक बैट्समैन का इजाफा हो जाता, जब मैच आपके हाथ से स्लिप हो रहा था आप कह रहे हैं कि वो अच्छा खेले, इसका मतलब है कि हमारे मतलब फिलिप्स बॉलर ने बुरा बॉल किया तभी उसने अच्छा खेला, तो आप सब उस टाइम ड्रेसिंग रूम में क्या बातें हो रही थी जब मैच हाथ से निकल रहा था, बॉलर्स आपके 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे थे? देखें, क्रिकेट में तो सिचुएशन वाइज ही क्रिकेट खेली जाती है, अगर आप देखें तो उन लोगों ने भी मेरे ख्याल में पिछले 2 मैचेस में साउथी ने भी 10 ओवर नहीं किए, क्योंकि वो पार्ट टाइम फिलिप्स ने बॉलिंग कर दी, तो जिस तरीके से विकेट खेल रहा था तो उस पर स्पिन ज़्यादा मतलब अच्छा बॉल कर रहे थे, स्पिनर को सपोर्ट ज़्यादा मिल रही थी, तो मेन रीज़न वही है, और अगर आप देखें तो जैसे आगा सलमान हमारा मेन बॉलर नहीं है, उसने आज 10 ओवर किए हैं तो वो फिर उसको कवर कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह कोई बात नहीं है कि फास्ट बॉलर से हमने पूरे ओवर नहीं कराए क्योंकि वो बुरी बॉल कर रहे थे, मेरे ख्याल में आगा सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की तो उसने उनको कवर अप किया, और हमेशा कप्तान का भी यही प्लान होता है कि जो हमारा पार्ट टाइमर है उससे हम 4-5 ओवर निकाले ताकि जो मेन बॉलर्स है अगर उसमें कोई एक भी उसका दिन ना हो तो उसके ओवर निकल जाएं। देखिए, हम लोग तो यही सोच रहे थे कि
पहले तो जब विलियमसन खेल रहा था तो हमने बोला कि अगर ये आउट हो जाए तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। फिर बाद में बस जब फिलिप्स ने बैटिंग शुरू की तो इतना हमें पता था कि टैलेंडर के लिए ये विकेट आसान नहीं होगा, और जिस तरीके से हमारी फास्ट बॉलिंग है, मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड में अभी भी हमारी फास्ट बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट है, और वो खेलने नहीं देते उनके टैलेंडर्स को, लेकिन वही कि फिलिप्स आखिर तक खेल गए और उसने मैच को फिनिश भी किया। अच्छा फ़खर, ये वर्ल्ड कप ईयर है और आप इंजरी से वापस आए, आज भी आप फील्ड नहीं कर सके, तो कोई प्लान है खुद को खुद की बॉडी को देखते हुए कि वर्कलोड मैनेजमेंट, क्योंकि आगे भी बहुत सारी क्रिकेट है और फिर वर्ल्ड कप भी है? बिल्कुल, देखें प्लान है बिल्कुल, और वर्ल्ड कप के बाद ये मैं पहली सीरीज़ खेल रहा हूँ तो मेरा रिहैब चल रहा था, और जितने भी फिटनेस टेस्ट होते हैं पीसीबी के वो सारे मैंने क्लियर किए हैं, फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, और बिल्कुल आज मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई है नी में दोबारा, और फिर मैं कोशिश कर रहा था कि मैं फील्ड पे जाऊँ, लेकिन फिजियो ने बोला कि अभी आप फील्ड पे ना जाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरी फ़िटनेस अभी ठीक है, लेकिन आज के लिए फिजियो ने मुझे एडवाइस किया कि आप ना जाएं, और मैं इस पर बिल्कुल और भी काम करूँगा। अच्छा फ़खर, आप ने अभी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि फिलिप्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो क्या उनके खिलाफ गेम प्लान था? थोड़ी सी पैनिक नज़र आई जब उन्होंने आके एक दो शॉट लगाए, तो क्या गेम प्लान था उसके खिलाफ, और एक दो गलतियाँ जो आप समझते हैं जो मैच में हुई जो मैच का पासा पलट गई? देखें मेरे ख्याल में हमारे बॉलरों ने भी बॉलिंग अच्छी की है, और उसने जिस तरह के शॉट्स मारे हैं, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह इस विकेट पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने भी तकरीबन कोई 30-35 ओवर बैटिंग की इस विकेट पे, तो वो बहुत अच्छा खेला है, तो इसलिए मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ कि वो जिस तरीके से खेला है आज, तो बहुत कम प्लेयर मैंने देखे होंगे जिस कि वो इतना अच्छा इस तरह की डबल पेस विकेट पे खेले, तो इसलिए मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ। ये तो देखें कप्तान और बॉलर का होता है, तो मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, लेकिन जो उसका वीक जोन होता है, तो जब मीटिंग होती है, क्योंकि मुझे तो उनके बॉलर्स का पता होता है कि उनके बॉलर का स्विंग क्या होता है, टर्न क्या करते हैं या गुगली कैसे करते हैं, ये कप्तान और बॉलर्स आपस में प्लान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, दिस बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी 8वीं सेंचुरी पे, अनफॉर्चुनेटली एक विनिंग कॉज में नहीं आ सकी, आप काफ़ी देर इंजरी के बाद टीम में वापस आए, तो ये बताते चले कि कितना मुश्किल होता है ऐसे इंजरी के बाद वापस टीम में आकर अपना लोहा मनवाना, और वर्ल्ड कप ईयर में अब आप एक सीनियर मेंबर ऑफ द साइड हैं, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं आप एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द साइड? देखें काफ़ी मुश्किल होता है, और मैं अगर सही बताऊं तो इन ये मैचेस मेरे माइंड में थे, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अर्ली पाकिस्तान कप के मैचेस में आया, और मैंने 3 मैच खेले, लेकिन पहले 2 मैच मैंने काफ़ी पेन में खेले हैं, बहुत पेन भी होता था, लेकिन मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं इसको साथ लेके चलूं, और इवन के ये तीनों मैचेस भी टैपिंग वगैरह करके ही खेलें, तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये ऐसा है कि इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो उसके लिए आपने कुर्बानी भी देनी होती है, और उसकी तैयारी ऐसी करनी होती है कि आप अपने मुल्क के लिए बेस्ट दे सकें, तो जितना मेरे बस में था, मैंने NCA में भी काम किया है और KPK की टीम से भी खेला हूँ, तो अभी फ्यूचर में मेरा यही गोल है कि मैं वर्ल्ड कप तक खुद को बहुत फिट करूँ और पाकिस्तान के लिए जितना लंबा खेल सकता हूँ खेलूँ। देखिए वर्ल्ड कप तो हर प्लेयर के लिए अहम होता है, और बिल्कुल मैं 2019 का वर्ल्ड कप भी खेला था, उसके लिए मेरे बहुत ज़्यादा प्लान्स थे, मैंने बहुत तैयारी भी की थी, तो वो इतना ज़्यादा मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन अभी ये वाला जो है बिल्कुल इसके लिए भी मेरे बहुत उम्मीद है मेरी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को जिताऊँ। फ़खर, नसीम शाह जो है आज का मैच नहीं खेल रहे थे अनफॉर्चुनेटली, 2 मैचेस में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, 5 विकेट में 5 विकेटें भी लीं, और तो कितनी कमी महसूस हुई आज के मैच में, और जो आपने प्लान बनाया था फिलिप्स के खिलाफ, तो अगर वो होते तो क्या वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता? देखिए मेरे ख्याल में जिस तरीके से आज वो खेला है तो कोई भी होता तो वो मुश्किल होता, लेकिन ये है कि देखें नसीम शाह बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, और जिस तरीके से उसने अभी मेरे ख्याल में 4-5 ही वनडे खेले, और मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा आउट किए हैं 4-5 वनडे में, तो और वो एक बहुत टैलेंटेड बॉलर है, मिस तो हम लोग शाहीन को भी बहुत करते हैं, लेकिन और माशाल्लाह जिस तरीके से नसीम शाह ने टीम में अपनी जगह बनाई है,
वो बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन बदकिस्मती से उसको बुखार भी था और फ्लू भी था, तो इस वजह से खेले नहीं, वरना अगर वो होते तो यकीन करें वो तो जिस तरीके से उन्होंने पहले दो मैचों में बॉलिंग की तो हमें उम्मीद थी कि वो इसमें भी ऐसी करता। अच्छा फ़खर, फील्डिंग में कुछ फंबल्स हो रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में, देखा आज के मैच में भी हुए, और एक कैच इंपॉर्टेंट फिलिप्स का छूटा, ऑल दो 50 कर चुके थे, अगर वो कैच हो जाता तो मज़ीद कोई ट्विस्ट आ जाता, और फील्डिंग के फंबल के ऊपर बात की गई थोड़ा। देखें बिल्कुल, अगर फिलिप्स जिस तरीके से खेल रहा था तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि बस ये किसी तरीके से आउट हो जाएं, और टैलेंडर्स के लिए इतना आसान नहीं होता, और आपने देखा भी कि जो जो भी टैलेंडर आए हैं तो उनको इतना आसान नहीं हो रहा था। और बाकी फील्डिंग देखें, अगर मैं फील्ड में हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता हूँ, और हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोगों को तो बस ये सिर्फ दिखता है कि हम लोग मैच में खेलते हैं, इससे मतलब मैच से पहले या प्रैक्टिस वगैरह में हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने फील्डिंग पे भी, बैटिंग पे भी, बॉलिंग पे भी, लेकिन मैच में इस तरह हो जाता है, और बस कोशिश यही करेंगे कि आइंदा ना हो। अगर हारिस चहल को बॉल लगी थी हेलमेट पे, काफ़ी परेशान और मायूस थे वो, उनकी क्या पोजीशन है तातरी? लेकिन उनको डॉक्टर्स ने चेक किया है तो उनको थोड़ा सा पेन था सर पे, तो इस वजह से वो अंदर नहीं गए, और लेकिन मेरी जो उनसे बात हुई है तो वो कह रहे थे कि मैं मतलब ठीक हूँ, लेकिन ये कि हल्का हल्का सा वो कह रहे थे कि सर बारी हो रहा है।